दोस्तों, दुनिया में कुछ अजीब अजीब तरह के लोग हैं। जैसा कि कुछ लोग किस्मत के भरोसे बैठे हुए हैं, तो कुछ लोग किस्मत से लड़ रहे हैं। किस्मत से लड़ने वाले ये सोचते हैं कि हम अपनी किस्मत से लड़ेंगे और मेहनत करेंगे, तब हमें नौकरी मिल जाएगी तो हम कुछ बड़ा कर दिखाएंगे। कुछ लोग जो है किस्मत के भरोसे बैठे हुए और वो सोचते हैं हमारी किस्मत होगी तो हमारी नौकरी लग जाएगी, हम बिजनेस करने लगेंगे, हम जो है व्यापार करने लगेंगे, किस्मत के भरोसे वो बैठे। तो क्या आप लोगों को लगता है कि किस्मत आपका साथ देगी? जो लोग किस्मत से लड़ रहा है उसको साथ मिलेगा, या फिर आप लोगों को? जो मेहनत करेगा उसे सफलता मिलेगी, उसे जो है किस्मत साथ देगी। तो अब आपको किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है, बल्कि मेहनत करना है। और मेहनत जब तक आप लोग नहीं करेंगे, आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेष राशि के दैनिक राशिफल के बारे में। दोस्तों, 11 जनवरी 2023 बुधवार का दिन है और मेष राशि वालों का भाग्य चमक उठा है। अब इनकी किस्मत जो है चमक उठेगी, सब कुछ इनके कदमों में होने वाला है। 2023 में आपको बहुत सारी खुशियां देखने को मिलेंगी, आपको सफलता के राज कुछ खुलेंगे जिनमें आपको सफलता देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, आज का पंचांग क्या क्या है सब कुछ डिटेल से बताएंगे। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, जल्दी से दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए, लेकिन उससे पहले आज का पंचांग क्या कह रहा है इसके बारे में जान लिया जाए। दोस्तों, 11 जनवरी 2023 बुधवार का दिन है और माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थ तिथि है और आज का जो नक्षत्र है वो मधा है और अभिजीत मुहूर्त है आज दोपहर 11:36 से 36 मिनट से लेकर दोपहर 12:38 तक रहेगा। और आज के दिन सूर्य उदय होगा 6:23 पर और चंद्रमा की स्थिति रहेगी आज के दिन सिंह राशि पर रहेगी। और आज का जो अशुभ समय है वो तकरीबन 7:42 से लेकर 8:02 तक रहेगा। इस अशुभ समय में कोई भी शुभ कार्य न करें, नहीं तो आपके काम में विघ्न बाधाएं आ जाएंगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मेष राशि के दैनिक राशिफल के बारे में। दोस्तों, ये प्रश्न चंद्र राशि में राशि पर आधारित है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मेष राशि इस साल जो है इसकी किस्मत चमकी है और इनको कुछ ऐसे लाभ देखने को मिलेंगे जैसे कि इनका बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, करियर, नौकरी, लव लाइफ, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप बन सकते हैं। उसके साथ साथ इनके काम में कुछ इजाहा देखने को मिलेगा और ये जो काम करेंगे उसमें जो है इनको सफलता मिलेगी और सफलता के साथ साथ इनका मन जो है खुश रहेगा। और भाग दौड़ की जिंदगी है, उसमें आपको भाग दौड़ से आपकी खुशियां आने वाली है। आपके घर पर शादी के योग अगर बन रहे तो शादी होने वाली है। संतान अगर आपके घर पर नहीं है तो संतान की उत्पन्न जो है इस साल हो सकती है और उसी के साथ साथ आपका व्यापार बिजनेस भी अच्छा रहेगा। शिक्षा में जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे तो इस साल फार्मो को अप्लाई करते रहिएगा, आपकी नौकरी मिल सकती है। और जो लोग पैसों से रिलेटेड दिक्कत 2022 में उठाए हैं, उनको जो है इस साल पैसों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। पैसा आपके घर पर आएगा, लेकिन पैसा ज्यादा भी आएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपके घर पर खर्चे भी ज्यादा आएंगे, तो आपको खर्चों पे कंट्रोल करना है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य फिलहाल ठीक ही रहेगा, लेकिन बाहरी खानों पर आपको कंट्रोल करना है, बाहर की चीजें कम खाना है, नहीं तो आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। उससे आपका करियर भी कुछ फर्क आ सकता है, यानी कि बैंक बैलेंस या फिर अगर स्वास्थ्य गड़बड़ होगा तो पैसों से रिलेटेड दिक्कत भी आएगी। लेकिन अगर आप लोग ये उपाय करेंगे, अगर आप लोगों को शिक्षा, नौकरी और बिजनेस व्यापार में थोड़ी भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप लोग सूर्य भगवान को जल भी दे सकते हैं। अगर आप लोग ये काम करेंगे तो आपको शिक्षा नौकरी में जो है सफलता देखने को मिलेगा। स्टूडेंट में जो अगर पढ़ाई कर रहे हैं उनका मन नहीं लग रहा तो वो मन भी लगने लगेगा। उसी के साथ साथ पैसा आपके घर पर आएगा, लेकिन पैसों से रिलेटेड आपको कुछ लाभ होने वाला है। उसके साथ साथ आपके पुराने काम भी बन सकते हैं। जो पुराने काम पिछले साल पेंडिंग में रह गए थे, आप लोग उनके बारे में सोच रहे हैं कि इस साल बन जाए, तो इस साल बनकर रहेगा। इसलिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने राशि वालों के लिए। जय हिंद, जय माता दी, जय लक्ष्मी।